इस बार 24 में अगर आ गए तो जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया एक वोट का, ये भारतीय जनता पार्टी वो वोट का अधिकार भी छीन लेगी। अगर अधिकार हमारा छीन गया तो सोचिए क्या हम सरकार बदल पाएंगे, क्या हम लोग परिवर्तन ला पाएंगे, क्या हम बड़ा बदलाव कभी कर पाएंगे। इसलिए हमारे आपके सामने जहां चुनौती है वहीं बहुत लंबी लड़ाई है जिसको हम लोगों को जीतना है। वैसे तो हम लोगों ने जब चुनाव के समय पर चुनावी जनसभा देखी थी और यहां पर जितना कार्यकर्ता नेता बैठा है वो सब चुनावी सभा में आया होगा, जब मंच पर मैं बोलने आया तो मैंने देखा था पूरा मैदान भरा पड़ा था, जन सैलाब था और शायद शाहजहांपुर की धरती ने इतना बड़ा जन सैलाब एक जगह कभी नहीं देखा था जितना उस समय 22 के चुनाव में जन सैलाब के समर्थन जुटा था। और उस समय लगा कि समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, सबकी सब सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम जब हम लोगों ने देखा तो हमारी समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, हम शून्य रह गए। जो लोग जीत रहे थे वो हरा दिए गए। ये विधायक राजेश यादव जी बैठे हैं, उनके क्षेत्र के लोग भी बैठे होंगे, उनका रिजल्ट भी आप जानते होंगे। आपने तो जिता दिया लेकिन बताओ प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया कि नहीं हरा दिया? वो जीत गए लेकिन हरा दिया। इसी तरह नीरज मौर्य, अगर हमारा ही साथी किसी और दल में न गया होता तो बताओ नीरज मौर्य जीत गए होते कि नहीं जीत गए होते? नीरज मौर्य आज विधायक होते, राजेश यादव विधायक होते और ये हमारे तनवीर लगातार लड़ रहे हैं और 9 बार के विधायक का मैंने क्षेत्र देखा है 2 दिन से, 9 बार के विधायक का, ये जो 9 बार विधायक रहे हैं इस जिले में 3-3 कैबिनेट मंत्री हैं और पहले ये नगर विकास मंत्री थे और आजकल पूरे खजाने का कब्जा है इनके पास। आपने सड़कें देखी कैसी सड़कें यहां की? सड़कें देख ली हैं आपने? मैंने पूछा हमारे साथ जयेश जी बैठे हुए थे, हमने कहा बताओ शहर देख नहीं पाए, ये पता नहीं कहां बाईपास से मुझे लेके जा रहे हैं।